अगला जो पॉइंट है हमारा कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा हम हर प्रकार की हार्मोनल लेवल पर काम करते हैं, और मेडिकल साइंस कहते हैं कि हमारे सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल तीन ही तत्वों से मिलाकर बनते हैं, है ना, जिसमें से एक है एमिनो एसिड जिसको हम प्रोटीन से बनाते हैं, यानी प्रोटीन के डाइजेशन पर हमें एमिनो एसिड मिलता है, और इन्हीं एमिनो एसिड में एक है हमारा टायरोसिन एमिनो एसिड जिससे खास प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, और तीसरा हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स काम करते हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो प्रोलैक्टिन हो, चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हो, ये जितने भी हार्मोन्स हैं इनका जो रॉ मटेरियल है वो कहीं से तो तैयार होगा, यानी कि कहीं ना कहीं से तो वो हार्मोन्स बनेंगे, तो ये तीन ही प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं। पहला अमीनो एसिड है, यानी कि हमारी बॉडी में लगभग 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं, है ना, प्रोटीन जो हम खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, है ना, तो जिस भी चीज में प्रोटीन है उस प्रोटीन में से कुछ ना कुछ अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। अब ऐसे 22 या 23 प्रकार के 24 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन में अलग अलग प्रकार का अमीनो एसिड होते हैं, यानी कई सारे अमीनो एसिड मिलकर कुछ हार्मोन्स को बनाते हैं, कई सारे अमीनो एसिड मिलकर हार्मोन्स को बनाते हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन किससे बनता है, और उन्हीं में से एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड है जिसको हम टायरोसिन अमीनो एसिड कहते हैं, है ना, विशेष प्रकार का अमीनो एसिड है जो दूध या दूध के प्रोडक्ट से ही मिलता है, खासतौर से दूध से ही मिलता है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड एक विशेष प्रकार का अमीनो एसिड है जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी है, यानी थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है जिनको हम T3 T4 हार्मोन कहते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि जो विशेष प्रकार का एक अमीनो एसिड है जो क्या है, टायरोसिन अमीनो एसिड है जो विशेष प्रकार के आपके थायराइड के हार्मोन्स को बनाता है, यानी कि सभी प्रकार के अमीनो एसिड एक अलग हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का टायरोसिन अमीनो एसिड भी कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स को बनाता है। और तीसरा क्या है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, जो हमारे फैट के डाइजेशन पर फ्री फैटी एसिड के रूप में बनता है, और वो जब लीवर के पास पहुंचता है तो लीवर उस फ्री फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, और उस कोलेस्ट्रॉल से हमारे स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं। ये सारा का सारा हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये समझा कि हमारे जितने भी बॉडी में हार्मोन्स हैं, आप किसी भी हार्मोन का नाम लेंगे, वो हार्मोन किन से बने होंगे, या तो कई सारे अमीनो एसिड्स से मिलाकर बना होगा, या वो एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड जिसको हम टायरोसिन अमीनो एसिड कहते हैं उससे बना होगा, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल से बना होगा वो हार्मोन। तो सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल तीन ही तत्वों से मिलाकर बनते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड जिसको टायरोसिन अमीनो एसिड कहते हैं, और हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो इन तीनों को अगर हम ठीक करना जानते हो, अगर हम इन तीनों को ठीक कर सकें तो हम हार्मोन्स की गड़बड़ी से आने वाली बीमारी पर काम कर सकते हैं, है ना, हम हार्मोन्स की गड़बड़ी से आने वाली बीमारी पर काम कर सकते हैं। जैसे एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है किसी भी समस्या के लिए आता है जो हार्मोनल से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, चाहे वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो सकता है, ओबरी से निकलने वाले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो सकते हैं, या एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हो सकते हैं, या एल्डोस्टेरोन हो सकता है, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है। अब इतनी जानकारी आपको आ जाएगी कि ये जो हार्मोन की समस्या हमारे पास लेकर आया है, जो हार्मोनल प्रॉब्लम लेकर आया है, इस हार्मोन्स की कमी से ये समस्या आई है, यानी ये प्रॉब्लम आई है, तो ये हार्मोन्स का रॉ मटेरियल क्या है, ये हार्मोन बना किससे है, तो गूगल से भी पता लग जाएगा और हम भी इस एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। तो ये हार्मोन्स किससे बना हुआ है, या तो वो एमिनो एसिड से बना होगा, या वो टायरोसिन अमीनो एसिड से बना होगा, या वो कोलेस्ट्रॉल से बना होगा। तो इन तीनों में से किसी में गड़बड़ी हुई है, इन तीनों में से किसी में कमी हुई है, तो वो कमी को हम पूरा कैसे करेंगे, कि हम जानते हैं कि अगर हमें अच्छा घी, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कम है तो हमें अच्छा घी तेल खाना चाहिए। तो अच्छा घी तेल का मतलब क्या है, आपको बताया था कि जितना भी वनस्पति ऑयल है वो हमारा अच्छा घी तेल हो सकता है, है ना, जितना भी हमें नेचुरली पेड़ पौधों से घी तेल मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें अमीनो एसिड्स की कमी है, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड की कमी है,
तो उस कंडीशन में हमारे सामने ये ऑप्शन है कि हमें हर प्रकार के दाल और प्रोटीन्स खानी चाहिए। कई सारे लोग होते हैं कि मैं मूंग की दाल नहीं खाता, मैं अरहर की दाल नहीं खाता, मैं ये दाल नहीं खाता, मैं वो दाल नहीं खाता। इसका मतलब है कि जो अमीनो एसिड उस दाल में है वो कैसे मिलेगा? अगर हम किसी विशेष प्रकार की दाल को नहीं खाते या हम चूजी हैं कि भाई मैं तो यही दाल खाता हूं, इसके अलावा कोई दाल पसंद नहीं करता, तो बाकी के जो अमीनो एसिड है वो कहाँ से मिलेंगे? मैं तो केवल यही चीज खाता हूं, तो उसकी वजह से बाकी जो अमीनो एसिड दूसरी चीजों में है वो हमें नहीं मिलेंगे और उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो सकते हैं। और तीसरा, खास तौर से दूध के प्रोडक्ट से हम दूध को प्रमोट नहीं करते, लेकिन दूध के प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट करते हैं कि हमें दही खाना चाहिए, हमें छाछ पीनी चाहिए, हमें मक्खन खा सकते हैं, हम दूध के प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो दूध के प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे तो फिर हमें अमीनो एसिड जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड है वो मिलेगा और वो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम में मदद करता है। तो पहले उसकी डाइट को चेंज करेंगे, क्योंकि बिना आहार के आपको सप्लीमेंट मिलेगा कहाँ से? हम नेचुरल डाइट पर फॉलो करते हैं, हम नेचुरल डाइट को मानते हैं, तो यानी कि शरीर के अंदर कोई कमी है तो कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करनी है। हम मेडिसिन को सपोर्ट करते नहीं, हम सप्लीमेंट को सपोर्ट करते नहीं, तो फिर हमें सपोर्ट किसको करना है? डाइट को करना है, कि डाइट में क्या चेंजेस लेकर आए या डाइट में हम क्या खाएं जिससे कि जो कमी हो रही है वो पूर्ति हो जाए, है ना? तो डाइट को ठीक करना है। दूसरा, उस डाइट को डाइजेस्ट कराने का काम न्यूरोथेरेपी करेगी। वही आप जो खा लेंगे वो डाइजेस्ट हो प्रॉपर तरीके से, आपका प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में चेंज होगा, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होंगे और वो अमीनो एसिड जब लीवर के पास जाएगा तब जाकर वो उस हार्मोन्स के लिए काम हो आएगा, है ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम डाइट को सही कर हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देकर उसके डाइजेशन को, उसके एब्जॉर्प्शन को ठीक करते हैं, जिससे कि उसकी कमी से आने वाली बीमारी का हम समाधान करते हैं। तो न्यूरोथेरेपी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देकर और डाइट को चेंज कर, बिना डाइट के चेंज नहीं होगा। यानी कि डाइट का रोल तो सबसे पहले है, फिर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट का रोल है और फिर वो बीमारी का समाधान है। तो इस तरीके से हम जितने भी हार्मोन्स हैं उनके तीन ही रॉ मटेरियल हैं, उन तीनों रॉ मटेरियल पर हम काम कर सकते हैं, डाइट को चेंज कर और पेट के डाइजेशन को इम्प्रूव कर। इस तरीके से हम हार्मोन्स की गड़बड़ी से आने वाली बीमारियों को इलाज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी हार्मोन के रॉ मटेरियल हमारे तीन ही तत्वों से मिलकर बने हैं। वो आपका अमीनो एसिड है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड जो सिंगल है, और तीसरा हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। गुड कोलेस्ट्रॉल से ही हार्मोन बनते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन नहीं बनते हैं, ठीक है?